हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपसे बात करूंगा सीटीआर को लेकर। यूट्यूब सीटीआर एक ऐसी चीज होता है गाइस, आज मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा यूट्यूब सीटीआर क्या है एंड यूट्यूब सीटीआर क्या चीज है एंड यूट्यूब इंप्रेशन क्या चीज। वो है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि आपका इंप्रेशन देख के लोगों ने आपके वीडियो का थंबनेल के ऊपर कितनी बार क्लिक किया है उसे कहते हैं सीटीआर। सीटीआर अगर आपका 10%, 20%, 30%, 100% के बीच में होता है गाइस, आपको इंप्रेशन बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। इंप्रेशन यूट्यूब जब आप पहले नया नया चैनल बनाते हो तो यूट्यूब इंप्रेशन ज़्यादा ही भेजते हैं सब लोगों के पास अपने वीडियो को। सो गाइस, आपको सीटीआर बढ़ाने के लिए सबसे पहले अब मैं एक ही ट्रिक दूंगा, जो है आपको सबसे पहले थंबनेल पे जोर देना पड़ेगा। अगर आप थंबनेल अच्छी तरीके से बनाते हो, थंबनेल पे अट्रैक्टिव थंबनेल अगर बनाते हो, तो गाइस आपका सीटीआर जो है बहुत ही अच्छा है। लोग आपका वीडियो देख के आपके वीडियो के ऊपर क्लिक भी करेगा थंबनेल देख। सो गाइस, आपको इंप्रेशन भी बढ़ाना है, सीटीआर भी बढ़ाना है। तो गाइस, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आपको वीडियो पे साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा, तो आपका यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन लोगों के पास भेजेगा। और आपका क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि सीटीआर जितना होगा आपका इंप्रेशन उतनी भी इंक्रीज होगा। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप 10 वीडियो बनाए हो, तो गाइस 10 वीडियो ने यूट्यूब हर वीडियो के इंप्रेशन, मतलब इंप्रेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंप्रेशन होता है यूट्यूब आपका थंबनेल को कितने लोगों के पास दिखाया, इसे कहते हैं इंप्रेशन। जैसे हम लोग यूट्यूब पे ऑन होते हैं एंड देखते हैं कि किसी का थंबनेल आता है वीडियो देखने के लिए, वो है इंप्रेशन। यूट्यूब ने आपका थंबनेल को, मतलब वीडियो का जो थंबनेल है उसे कितने लोगों के पास भेजा, कितने लोगों को दिखाया है, उसे इंप्रेशन कहते हैं। सो गाइस, आप इंप्रेशन कैसे इंक्रीज करें? इंप्रेशन तभी बढ़ेगा जब आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। देखिए कि ऐसा होता है कि यूट्यूब 100 लोगों के पास आपका वीडियो का इंप्रेशन भेज दिया, लेकिन 100 लोगों में से एक भी अगर क्लिक नहीं किया तो यूट्यूब और एक भी इंप्रेशन नहीं भेजेगा। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो और भी 10 लोगों को इंप्रेशन भेज देगा। तो क्लिक थ्रू रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने वीडियो को वायरल करने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए। और आपका क्लिक थ्रू रेट कहाँ से मिलेगा? आपका थंबनेल से। अपना थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होगा एंड थोड़ा सा क्लिक बेट भी आपको करना पड़ेगा। हाँ गाइस, थोड़ा सा क्लिक बेट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर क्लिक बेट आप करते हो तो गाइस आपका थंबनेल देख के लोग क्लिक करके आपका वीडियो भी देखेगा। अब क्लिक बेट कैसे करना है, जैसे कि सोचो कि मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो है टाइटल है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। आपको ऐसा कुछ क्लिक बेट करना है, 2 दिन में मेरा चैनल ग्रो हो गया, इसे कहते हैं पूरा फुल क्लिक बेट। पूरा फुल नहीं, इसे कहते हैं 30% क्लिक बेट, लेकिन आपको 30% नहीं करना, आपको 20% करना है। जैसे कि देखो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल से लेकर ग्रो यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन 10 डेज, इसे कहते हैं क्लिक बेट, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको ऐसे ही क्लिक बेट करना है आपके चैलेंज के ऊपर, मतलब थंबनेल के ऊपर। सो गाइस, अगर आप क्लिक बेट करोगे तो आपका क्लिक सीटीआर ज़्यादा आएगा, सीटीआर ज़्यादा आएगा तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपका चैलेंज धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ब्लॉग चैलेंज में 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है, मैं इसी तरीके से वहाँ पर इतना सारा काम किया है। लेकिन इस चैनल पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चैनल पूरा नया है, अभी 2 महीने हुआ है, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाइस, आपको और कुछ जानना है, जैसे कि इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट एंड आपको ट्रैफिक के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। यूट्यूब का ट्रैफिक एंड सर्च टीम, सर्च का जो ट्रैफिक है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। आज के लिए वीडियो इतना ही था, चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे। और अभी तक मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलो गाइस, आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों।